जी, भारत के दुश्मन अब खबरदार हो जाए, क्योंकि अब भारत ने ऐसा हथियार बनाकर तैयार कर लिया है जो जंग के मायने बदल देगा, जो मिसाइल टैंक का जमाना खत्म कर देगा। अब तक अमेरिका इस हथियार के की महारत अमेरिका को रही है और वो इस पर बड़े पैमाने पर रिसर्च कर रहा है, लेकिन अब भारत ने भी इस हथियार को परखना शुरू कर दिया है। देखिए क्या है भविष्य की वेपन टेक्नोलॉजी। भारत ने बनाया शुद्ध देसी लेजर हथियार। अब दुश्मनों का खात्मा नहीं, अंतिम संस्कार होगा। विनाश बांटने वाले ये वो हथियार हैं जिन्हें सुपर पावर अमेरिका ने बनाया है। खास बात यह है कि ये सभी हथियार गोला बारूद से नहीं बल्कि डायरेक्ट एनर्जी पर काम करेंगे। अमेरिका ने जमीन, हवा में उड़ने वाले और समंदर पर तैरने वाले जहाजों में भी लेजर हथियार फिट करने की तकनीक विकसित की है। बेसिकली जो DWs है वो बीम्स ऑफ कंसंट्रेटेड लाइट है, लेजर है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं और उसका इतना कंसंट्रेशन होता है कि वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में एनिमी टारगेट्स को हिट करते हैं। लेकिन खास बात यह है कि 100% शुद्ध तरीके से अब ये हथियार देश में भी बन रहे हैं और इन हथियारों को बना रहा है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO। DRDO फिलहाल अनमैंड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन जैसे टारगेट को मार गिराने के लिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन बनाने के मिशन में जुटा है और इस काम को अंजाम दिया जा रहा है हैदराबाद की सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंस में। ये सरकार ने 115 करोड़ की ये प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है और ये DRDO साइंटिस्ट को, और उम्मीद है कि 2017 दिसंबर तक ये ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। DRDO ड्रोन जैसे टारगेट के खिलाफ 10 किलोवाट के डायरेक्ट एनर्जी वेपन को डेवलप कर रहा है। देश के दुश्मनों का दिल जलाने वाली खबर यह है कि इस सिस्टम को 800 मीटर की दूरी तक टेस्ट भी किया जा चुका है। बताया ये भी जा रहा है कि पिछले साल हरियाणा में इस सिस्टम को मिलिट्री को भी दिखाया गया था। सूत्रों के मुताबिक पिछले कई सालों से ऐसे हथियार बनाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट का काम चल रहा था।